तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गूगल अकाउंट एडसेंस क्रिएट कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आपको जो है दो तीन बात ध्यान में रखना, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर 18 साल से नीचे हैं तो आप अपने पापा मम्मी के नाम से जो है बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस सर्च करने के बाद आपको जो है इस तरह का जो है एक इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं गूगल एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। इस पर जो आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा जो कि ये एडसेंस वाला साइट है। साथ में आप ऊपर में देख सकते हैं गेट स्टार्टेड है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का जो एक इंटरफेस खुल के आएगा जो कि एडसेंस वाला ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस साइनअप यहाँ पे दिया गया है, योर वेबसाइट यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जो है साथ में योर ईमेल एड्रेस। वेबसाइट में आपको जो है HTTP आपको जो है नहीं देना है, बिना HTTP के आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में वेबसाइट डाल दीजिए। वेबसाइट डालने के बाद जो है आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। आप जो भी अकाउंट डालना चाहते हैं उसका जो है आप डाल सकते हैं। आपको जो है ईमेल एड्रेस यहां पे डाल देना है, जो भी आप ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं। साथ में आप यहां पर देख सकते हैं गेट हेल्पफुल एडसेंस इन्फो एट दैट ईमेल एड्रेस, इस पर आपको जो है यस पे क्लिक करना होगा। कस्टमाइज हेल्प टू परफॉर्मेंस सजेशन, इस पर आपको जो है क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा उसके बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जो है आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा अगला जो है यहाँ पे पेज खुल के आएगा और जो है आप अपना यहाँ पे और चीज़ जो है जो जो सेलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका URL जो है कोड दिए तो वो आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट योर कंट्री आपको जो है चूज करना है कि कौन से कंट्री से आप जो है आते हैं। इस तरह का जो है यहाँ पे इंडिया में है तो इंडिया का जो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंडिया पे सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद जो है नीचे में आपको जो है टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा। आप उसका टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर उसके बाद जो आप यहाँ पर यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा नीचे में आप यहां पर देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह का जो है आप अपना क्रिएट करने के बाद आप जो है इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड का जो है एक ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर गेट स्टार्ट कर लीजिएगा पूरा चीज़ पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर जो है गेट स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है साथ में एक और मांग रहा है, सबको जो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आप अपना जो है यहाँ पे इंडिविजुअल आपको यहाँ पे देना है एड्रेस, पेमेंट एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे जो है देना पड़ेगा, कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरह इस सबको जो है आपको भर लेना, फिलअप करने के बाद जो है आप अपना पूरा एड्रेस को फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद आपको जो है आगे बताते हैं। फिलअप करने के बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद साथ में आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पे जो है वेरिफिकेशन कोड जो मांगेगा, आपको जो है किसी दूसरे अकाउंट पे दीजिएगा तो नहीं लेगा इसका जो है। आप इस पे अकाउंट पे यहां पे जो है वेरिफिकेशन कोड दीजिएगा जो कि आपका जो है एडसेंस वेरिफिकेशन हो जाएगा। साथ में आप जो है एडसेंस क्रिएट कर लिए हैं।